हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स ट्रेलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो क्या है सिक्किम यूनिवर्सिटी से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, इसने एडवर्टाइजमेंट निकाला और यहाँ पे एक अच्छी बात उन्होंने मेंशन कर रखी है, देर इज नो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कोई भी लास्ट डेट नहीं है एप्लीकेशन की। इसके बाद जब उन्हें सफिशेंट लाइक एप्लीकेशन मिल जाएंगे तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम डायनेमिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग इंडियन सिटीजन हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी नॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो, तो यहाँ पे सब ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट है सबके लिए यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं कि आपका जिस चीज़ में आपने अपना पीजी डिग्री कंप्लीट किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना यहाँ पे जो फॉर्म को लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कंसर्ड या रिलेवेंट सब्जेक्ट में या एलाइड डिसिप्लिन में। इसके अलावा जो है मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा आपका 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर का, तो यहाँ पे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट और एलाइड डिसिप्लिन में। इसके अलावा आपका 8 ईयर्स का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% मार्क्स इन कंसर्न रिलेवेंट और एलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका सीएसआई यूजीसी नेट या स्लेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। वहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले जो है वो कंप्लीट किया है, रजिस्टर किया है, तो उन्हें यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपका जो पीएचडी वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। जिन्होंने 2009 से पहले रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन किया है पीएचडी में, थीसिस को मिनिमम 2 एक्सटर्नल एग्जाम में रिवेल्यूएट होना चाहिए, आपका रेगुलर पीएचडी बाय वॉइस हुआ होना चाहिए और आपके थीसिस से 2 पेपर जो है पब्लिश हुए होने चाहिए। इसके अलावा अब उन बच्चों के पास जो अब्रॉड से पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका जो है यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होना चाहिए और जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग वो द AIWU एंड दस लाइक QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर उनका यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होता है इनमें से किसी रैंकिंग में, तो वो डायरेक्टली जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट को भी निकाला गया, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारा जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और देख ले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए यहाँ पे जो है फी पेमेंट की बात करें, जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 है, वहीं SC ST PWD और वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस को नहीं है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है और आपकी एलिजिबिलिटी आप मैच करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।